क्या आपको पता है कि अगर डोबरमैन का फाइट हो जाए जर्मन शफर्ड से, तो ये दोनों डॉग ब्रीड में से कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा? इस वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि फाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस वीडियो की एंड में आपको रिजल्ट मालूम चल जाएगा कि अगर ये दोनों डॉग की फाइट होगी तो कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे डॉग्स बायोग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। जर्मन शफर्ड वर्सेस डोबरमैन, दोनों ही गार्ड डॉग, दोनों ही बेस्ट डॉग और दोनों ही अपने ओनर से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले और अपने ओनर के लिए किसी से भी लड़ने वाले डॉग ब्रीड में से आते हैं। तो बात करते कि अगर दोनों डॉग ब्रीड का फाइट होगा तो कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा। तो चलते हैं अपने पॉइंट में। तो पॉइंट नंबर वन, डॉग का बाइट फोर्स। तो देखा जाए तो डोबरमैन का जो बाइट फोर्स है वो है 305 पाउंड। अब बात करें जर्मन शफर्ड के बाइट फोर्स की, तो जर्मन शफर्ड का बाइट फोर्स है 269 पाउंड, मतलब डोबरमैन का बाइट फोर्स जर्मन शफर्ड से ज़्यादा है। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है हमारा अग्रेशन। तो अग्रेशन लेवल डोबरमैन का मीडियम है। बात करें अब जर्मन शफर्ड की, तो जर्मन शफर्ड का भी अग्रेशन लेवल मीडियम है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट में, क्योंकि ये पॉइंट में टाई हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा टेक्निक, मतलब अपने से सामने वाले डॉग को मारने की टेक्निक। तो टेक्निक देखा जाए तो अगर जर्मन शफर्ड मिलिट्री वाला हुआ तो उसका जो टेक्निक लेवल है वो मीडियम है, और डोबरमैन का टेक्निक लेवल लो। तो याले पॉइंट में जर्मन शफर्ड जीतता है। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा हाइट। लड़ाई में हाइट का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाइट देखा जाए तो डोबरमैन का हाइट है 66 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर। बात करें जर्मन शफर्ड की, तो जर्मन शफर्ड का हाइट है 60 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर, मतलब याले पॉइंट में डोबरमैन जीतता है। बात करें अब लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट है हमारा वेट। तो वेट देखा जाए तो डोबरमैन का वेट है 40 किलो से 45 किलो। बात करें अब जर्मन शफर्ड की, तो जर्मन शफर्ड का वेट है 30 किलो से 40 किलो। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट ये है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मतलब कौन से दो डॉग का फाइट देखना चाहते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो डोबरमैन जो है, डोबरमैन का बाइट फोर्स ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, लेकिन अगर जर्मन शफर्ड मिलिट्री का हुआ तो दोस्तों उसका जो टेक्निक लेवल है वो डोबरमैन के ऊपर ज़्यादा है, और जर्मन शफर्ड उसे टेक्निक से हरा देगा। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। तो अगर जर्मन शफर्ड मिलिट्री ट्रेनिंग वाला हुआ तो जर्मन शफर्ड जीत जाएगा, अगर जर्मन शफर्ड नहीं रहा तो जर्मन शफर्ड हार सकता है, और वो हार सकते जो रेशियो है वो है 60-40, मतलब 60% डोबरमैन के जीतने के चांसेस है और 40% जर्मन शफर्ड के जीतने के चांसेस है। अगर जर्मन शफर्ड मिलिट्री वाला हुआ तो 70% जीतने के चांसेस है जर्मन शफर्ड के, और 30% जीतने के चांसेस है डोबरमैन के। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना। बाय बाय, अपना और अपने डॉग का ध्यान रखना, मिलते हैं कल की वीडियो में।